पे आए, घर पे आके इतना थक गए थे। जब घर पे पहुंचेंगे अभी ये मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, केपी अपडेटेड, फिर राशन वगैरह लेके फिर घर निकलते खाना खाएंगे बीच में और रेडी ये जाएगा ये राशन निकल। सो हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून, डायरेक्ट मतलब नो गुड मॉर्निंग नथिंग, गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू फिटबीटेक चैनल। अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस, फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड एवरीथिंग। आज जा रहे हैं मॉल, थोड़ी शॉपिंग करनी है, राशन पानी भी खरीदना, घर पे राशन पानी सब एंड तो लेने जाना पड़ेगा, भाई जाना है लेने के लिए और रेडी ये जाएगा ये राशन इकट्ठा करेगा और डायपर वाइपर लाएगा अपने, बहुत शैतानी कर रहा है ये, इसको इससे बात कर लोग देखो। ओके सो निकलते जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं क्योंकि जल्दी निपटाना पड़ेगा इसके पहले कि इसका मूड चेंज हो जाए कुछ पता नहीं रहता। तो लेट्स सी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी ज़्यादा नहीं है, इट्स गुड, तो सी यू। ओके तो मॉल जाने से पहले एक छोटा सा काम है सेक्टर 18 में, मनी ने हमको याद दिलाया कि एक काम निपटाना है तो वो निपटा लेते हैं, सचिन से मिलना हमको, तो सचिन भाई से मिल के फिर वहाँ पे एक काम निपटाते हैं, 5-10 मिनट का काम है मुश्किल से, वो निपटा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। और गर्मी हो रही है वापस से, धूप वूप निकल आई है शानदार, आर यू स्लीपिंग, मैं बस चल रहा है मस्ती मजाक। और ओके सो 18 में अपना काम फटाफट खत्म करके अपन निकल चुके हैं वापस से, अभी फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं, 18 का जो फ्लाईओवर आता है कनेक्टिंग फ्लाईओवर, पीछे वो शैतान जग चुका है, देख रहा है कैमरे के अंदर कि चलता क्या है इसके अंदर, आखिर मैं अपने आप को कैसे देख पा रहा हूँ, आजकल बहुत क्यूरियस है तो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में। तो अभी अपन निकल गए हैं, अब गौर मॉल जा रहे हैं, गौर मॉल जाके इसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है बेबी के लिए, तो देखते हैं इसको कुछ टॉयज़ वगैरह दिलवाते हैं वहाँ पे, वहाँ पे 2-3 शॉप्स हैं, एक तो फर्स्ट क्राई है, एक हैमलेज है और एक और है, एक भूल गया मैं, मम्मी समथिंग कुछ है, तो वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके इसके लिए टॉयज़ देखने और कुछ और चीज़ें भी देखनी है टॉयज़ के अलावा, तो वो चीज़ें देख के फिर राशन वगैरह लेके फिर घर निकलते, खाना खाएंगे बीच में, कुछ खा पी के फिर निकलते हैं। सो सी यू। ओके सो वी हैव रीच्ड मॉल आ चुके हैं, यहाँ पे अब थोड़ा देखते हैं इसके लिए शॉपिंग वॉपिंग के लिए, ये हमारी गोदी में ऐसे बैठा हुआ है, लेट्स सी, थोड़ा बहुत अभी शॉपिंग वॉपिंग करके यहाँ से निकलते हैं, अभी ये मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, हमने इसे उसमें रखा हुआ है, हमने बेबी एक्स से लिया था प्रोडक्ट, ये बेबी एक्स से लिया था, कैंगरू के लता है इसमें रखते हैं, स्पेशलिटी है मतलब इसका वो है नीचे बैठने के लिए अच्छा सपोर्ट मिलता है हिप्स वगैरह को बेबी को, करेक्ट, तो वो सपोर्ट वगैरह रहता है यहाँ पे, रहता है सपोर्ट पूरा, तो इजी टू कैरी होता है। तो अब अपन जा रहे हैं फॉर सम बेबी शॉपिंग, यू विल कंप्लीट इट, कीप यू अपडेटेड, सी यू। ओके सो हैमलेस से हमने एक टॉय लिया है और इसके लिए बेबी हक के सारे प्रोडक्ट वगैरह जो लेने थे वो ले लिए, क्या क्या लिया मनी, हम घर जाकर दिखाएंगे अभी नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल सरप्राइज रखते, ऐसा कैसे डांट दिया भाई, तुम्हारे चक्कर में डांट पड़ जाती कभी, तो वी विल अनबॉक्स जब घर पे पहुँचेंगे। और अब आरिव को लगी भूख तो ही इज़ ऑल्सो हंग्री, तो घर पहुँचते हैं फटाफट, पहले कुछ खा लेते बीच में, इसको भी खिलाएंगे और दैट्स इट, और डोसा खाएंगे और डोसा तो वो खाएंगे और उसके बाद घर पहुँचते हैं एंड कीप यू अपडेटेड अबाउट इट, थैंक यू। सो गाइज हम मॉल से निकल चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं बदामी, हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट, क्योंकि हमें और कुछ मतलब मेरे को कंफर्टेबल वहीं रहता है, आरिफ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है वहाँ पे, ऑल्दो आरिफ सो गया है अभी बिल्कुल, भाई सब सो चुके हैं एकदम निन्नी निन्नी मोड में, और टचवुड मॉल में बिल्कुल परेशान नहीं किया लड़के ने, मेरे को लग रहा था कि बहुत रोएगा या कुछ करेगा, बट ही वॉज सो अट्रैक्टेड टू द लाइट्स एंड ऑल दैट स्टफ, सो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड मिलते हैं बदामी में, देखते हैं क्या। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस विद आरिव इन द मॉल, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब आरिव थोड़ा मतलब अब चीजों की तरफ अट्रैक्ट होने लग गया है, थोड़ा सेंसेस उसके अच्छे आ गए, हम पहली बार जब गए थे तब हम आरिव वॉज ओनली 48 days ओल्ड, तो अभी तब हम गए थे हबीब गए थे, तो मेरा कलर करवाने में था, हाँ
और इसे तब भी तंग नहीं किया था। हाँ, ये सोचा रहा था तब, समझ नहीं आता कि इसको घर जाना बस। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बट उसे उस टाइम पे रोना भी नहीं आया था, ही वाज एंजॉयिंग देयर। वो सोता रहा था और तुमने शायद मॉल में पूरा घुमा दिया था उसे। करेक्ट। हाँ, मगर दिस टाइम तो इसने थोड़ा अलग ही बिहेव किया। हाँ, और इसे बिल्कुल भी कोई रोना नहीं, कुछ नहीं, बस चारों तरफ लाइटिंग्स देख रहा था, टॉयज देख रहा था, इसके जो प्रोडक्ट्स लिए हैं बेबी प्रोडक्ट्स वो इसको, मतलब ऐसा लग रहा था कि इसको बड़ा मजा आ रहा है। इट्स अ गुड थिंग, अगर वो इन चीजों से एंगेजमेंट बढ़ा रहा है तो इट्स लाइक अ माइलस्टोन किसी भी बच्चे के लिए। और वो अगर वो अचीव करने की कोशिश कर रहा तो उसकी हेल्प करनी चाहिए इन चीजों में। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, बाकी तो सब भगवान। So actually, हम लोग इसे मॉल आज लेके इसलिए गए थे क्योंकि हम पिछले कुछ दिन पहले कहीं पे गए थे एंड ही वाज कंटिन्यूअसली क्राइंग ओवर देयर। सो वी वर वरीड कि ऐसा ना हो कि इसको बिल्कुल किसी की आदत ना हो। नहीं, और नहीं, वहाँ पे वो व्हाई ही इज क्राइंग कंटिन्यूअसली बिकॉज़ इसको ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। गर्मी भी, और उसका सोने का टाइम था उस टाइम पे, सो उसलिए वो ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था। दोनों चीजें थी कि गर्मी, इसका एक प्रॉब्लम है, अगर इसको गर्मी में रखा तो ये पक्का चिड़चिड़ करेगा। हाँ, बहुत इरिटेट, मतलब क्रैंकी हो जाता है, नॉट इरिटेटिंग, क्रैंकी हो जाता है बहुत ज्यादा। मेरा भी यही सीन है, हाँ, गर्मी में रह ही नहीं सकता। हाँ, फिर अगर ये अगर क्रैंकी हो गया तो इसको सिर्फ दो ही लोग हैंडल कर सकते हैं, या तो मैं या फिर अंकुर, और किसी के पास जाता है तो और रोता है। इसका ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं मतलब एक क्या बोले, करेक्टरिस्टिक है इसका। अभी जब अंकुर वीडियो एडिट करेगा तब मेरी बहुत सारी तारीफ करेगा कि मेरा कैमरा एंगल की तो अच्छा है, ओ ऐसे गंदे गंदे वो बीच में सबटाइटल्स डालेगा मेरे कैमरा एंगल्स के लिए, बट इट्स ओके, आई डोंट केयर। ओके, सो गाइज, वी आर बैक टू होम, घर आ चुके हैं। बीच में कुछ थोड़ा बहुत शूट वूट रह गया था, मतलब मैं शूट करना भूल गया था, और डोसा प्लान कैंसिल, लिट्टी चोखा खाया, मज़ा आ गया एकदम। मौसम बहुत सही था तो लिट्टी चोखा खाया, बड़ा मज़ा आया। लिट्टी चोखा खा के घर पे आए, घर पे आके इतना थक गए थे, सो गए, लेग डे में सो गए। क्या करें, कल करेंगे, और कल नहीं पाएगा, मंडे को हो पाएगा। या और साथ में या कुछ चीज़ें लाए तो आई थॉट कि अपन शेयर करते हैं आप लोगों से। तो लेट मी शो यू, आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लाया हूँ। ओके, फॉर छोटू, आरिफ। ओके गाइस, ये सब हमने सामान लिया है आरिफ के लिए। और हमने ये क्यों लिया है, क्योंकि बहुत टाइम से लिया नहीं था हमने आरिफ के लिए कुछ भी। और इसका जो शैम्पू सोप सब था वो ख़त्म हो रहा था, तो इट्स बेटर कि हम लोग पहले से ही लेके मतलब स्टोर कर लें। सबसे पहले मैंने उसके लिए लिया था ये टीथर, ऑल दो उसके पास सिलिकन बेस्ड टीथर है जो कि हमने फर्स्ट क्राई से लिया था, बट वो बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है हार्ड है। वो प्योर मतलब सिलिकन है, जैसे इसमें वाटर फिल्ड है, तो अगर हम इसे फ्रीज करेंगे तो अच्छा लगेगा उसे। किसी ने हमें सजेस्ट किया था कि वाटर फिल्ड लेके उसे फ्रीज करके तब दो तो बच्चे को सूदिंग होता है और ज़्यादा सूट करता है। इसका MRP है 129, हम लोगों को आफ्टर GST ये पड़ा था 135 का। हम लोगों ने ये मीमी से लिया था, मॉमजन मी में, तो वहाँ से लिया जो कि गौरमूल में है। तो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस थे जो कि हमने देखे, और सबसे बेस्ट मुझे ये लगा कि वाटर फिल्ड है तो इसको ऑब्वियसली अगर मैं इसे ठंडा करके दूंगी तो अच्छा रहेगा। अगर मैं इसका देख के बताऊँ, खोलती हूँ एक मिनट, मैं अगर मैं इसे खोल के देखूँ, ऑल्दो मैं एक हाथ से कर रही हूँ तो प्लीज़ इग्नोर, तो ये काइंड ऑफ सॉफ्टी की शेप में है जो कि इजली आरिव एक तरह से पकड़ लेगा, और वो थोड़ा डायनासोर वाला है तो मैं दिखाऊंगी, वो थोड़ा हार्ड है पकड़ने में। सेकंड है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ साइड में। सेकंड है मिल्की सोप, पहले मैं इस बेबी हक से पहले मैं यूज़ कर रही हूँ अभी हिमालय का, बट मुझे वो थोड़ा पर्टिकुलरली ऐसा लगा कि वो ज़्यादा क्रीमी नहीं है, उसमें इतना अच्छा टेक्सचर नहीं आ रहा है और बहुत हार्ड हो रहा है उसकी स्किन पे, तो मैंने इसलिए मन मेरा नहीं था हिमालय का, तो मैं आई चूज़ बेबी हग। बेबी हग से पहले हम लोगों ने, सॉरी, हिमालय से पहले हम लोगों ने सिटाफिल और सेबामेड यूज़ करके देख चुके हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ बेबी हग क्योंकि अच्छा है इनका, थोड़ा मैंने सुना है। आफ्टर दैट मैंने बेबी हक का डेली टियर फ्री शैम्पू लिया है, तो
जब भी हम कोई शैम्पू लाते हैं, अंकुर और मेरा ये गंदा आदत है, हम पहले चेक करते हैं कि ये सच्ची में टेयर फ्री है कि नहीं है। हिमालय का जो है वो नहीं है टेयर फ्री, तो अगर गलती से अगर बच्चे का लग जाता है तो हल्का फुल्का महसूस होता है। तो इस बार ही हम देखते हैं इसका क्या रहता है। ऑल दो मेरे को किसी ने, मतलब जो भी मैंने लिया वो सजेस्टेड है सारा, तो बेबी हक के प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छे लगे टेक्सचर वाइज, इसलिए मैंने इस बार शैम्पू भी लिया। देन दिस इज मिल्की वॉश, इट्स फ्रॉम डेली हेड टू टो, एंड ये जेंटल क्लीनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग के लिए है। इट्स वेरी गुड फॉर बेबीज, तो मैंने इसलिए लिया है। एंड दिस इज फॉर 375, दिस इज ऑल्सो फॉर आई गेस 375, या बोथ आर फॉर 375 ईच। देन दिस इज अ बेबी मसाज ऑयल विच इज वी आर करंटली यूजिंग, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बहुत जल्दी स्किन में अब्जॉर्व होता है और बहुत अच्छा है, इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, बेबी को बहुत सूट करता है, तो इसलिए मैंने ये लिया। एंड दिस इज फॉर 225। ये टोटल हम लोगों को आफ्टर GST एंड सब कुछ लगा के, मतलब दीज फोर प्रोडक्ट्स, शैम्पू, मिल्की वॉश, बेबी डेली मसाज ऑयल एंड सोप को मिला के हम लोगों को पड़ा था 625 समथिंग रुपीज का आफ्टर GST। एट लास्ट हम लोगों ने आर्य को फर्स्ट गिफ्ट एज अ टॉय, कह लो टॉय गिफ्ट पहली बार दिया है। एंड हम लोगों ने, मैंने अंकुर को बोला था कि उसको कोई ऐसा गिफ्ट दो जो कि म्यूजिकल हो, अंडर रोटेट करता हो, चलता हो, ताकि वो थोड़ा उसका फोकस बढ़े, क्योंकि अब वो चीज़ों को ग्रैप करने लगा है एक तरह से, उसका कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा होने लग गया है, चीज़ों को देखता है। तो मेरे को चाहिए था कि कोई ऐसा टॉय हो, तो हम लोगों ने ये हैमलेस से लिया है। एंड कल उसका अन्नप्राशन है, तो हम लोग एज अ गिफ्ट फ्रॉम अंकुर एंड माई साइड हम लोग उसको दे रहे हैं। दिस इज हिज फर्स्ट गिफ्ट एंड इट्स सो क्यूट। इसका नाम गोल्डी है अकॉर्डिंग टू दिस हैमले प्रोडक्ट। एंड इसमें और भी चार वेराइटीज, मतलब और चार ऐसे डॉग्स थे, जिसमें से एक पीनट था, बडी, स्पॉटी एंड चिली। सो ये हमको आफ्टर GST इफ आई टॉक अबाउट, ये हमें पड़ा 1459 रुपीज का। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस शॉपिंग फॉर बेबी आर्यफ। एंड अभी अंकुर से मैं कहूँगी कि इसको चला के दिखाए, इट्स सो क्यूट। मतलब हम लोग वहाँ पे आर्यफ के लिए गिफ्ट ले रहे थे, बट अंकुर और मैं ही इस पे करते जा रहे थे, क्या कहते हैं कि कौन सा लेना है कौन सा लेना है, ऐसे वी आर गोइंग टू प्ले। सो ये बहुत क्यूट है, मैं अंकुर से कहूँगी एक बार ही चलाए तो फिर वो देखेगा आप।